Okay, now I have told you about the adverb of degree. अभी हमने क्या पढ़ा? Adverb of degree. Now, on the last page, I have told you adverb of degree, very pretty. ये क्या है? Adverb of degree. When you are wanting to tell the level of something, you use adverb of degree. अब डी में द एडवर्ब वेरी टेल्स अस हाउ वेल किरण डिड इन द एग्जामिनेशन. एज वी हैव टोल्ड यू दैट यू नो किरण डिड इन द एग्जामिनेशन वेरी वेल एंड वेरी इज यूज टू शो द एक्सटेंट ऑफ वेलनेस, यानी कितना उसने अच्छा प्ले उसमें एग्जाम में काम किया. द एडवर्ब वेरी देयर फोर क्वालिफाइज द एडवर्ब वेल एंड इट इज क्वालिफाइंग. वेरी किसको क्वालिफाई कर रहा है? वेल को. वेरी therefore qualifies the adverb well. Understood? In E sentence, the adverb pretty tells us how easily Ayan won his match. The adverb pretty therefore qualifies the adverb easily, and pretty therefore is qualifying the verb adverb easily. Pretty is qualifying easily, very is qualifying well. Understood? When an adverb is used in this way to qualify another adverb, it is also known as the adverb of degree. Isko kya kehte hain? Adverb of degree. When you are wanting to show the extent. Ya phir when an adverb is used in this way to qualify another adverb, तो इसको क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ डिग्री. एडवर्ब्स ऑफ डिग्री कैन ऑल्सो बी यूज टू क्वालिफाई वर्ब्स, और ये वर्ब्स को भी क्वालिफाई करने के लिए यूज होते हैं. आप देखें, ही रियली लाइक्ड द सॉन्ग. अब आप कह सकते हो ही लाइक्ड द सॉन्ग, लेकिन आपने रियली यूज किया है. रियली किसके लिए? लाइक्ड को. ये क्या कर रहा है? रियली इज क्वालिफाइंग लाइक्ड. And Sidra almost fainted at the news. आप कोई न्यूज़ सुनते हो किसी की फोतगी की कि आपकी दादू फोत हो गए हैं, आपके दादा वो फोत हो गए हैं, आप फेंट हो जाते हो. तो Sidra fainted at the news. लेकिन अगर आप ज़्यादा फेंट हो जाते हो या होने की कंडीशन में आ जाते हो तो आप कहते हो almost fainted. यानी फेंट हुई नहीं है लेकिन almost fainted. तो यहाँ पर इसके एम्फसाइज को थोड़ा सा लोअर करने के लिए ऑलमोस्ट का लफ्ज यूज हुआ है, और ये क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री. ओके, ऑलमोस्ट फेंटेड. फेंट करने का क्या मतलब होता है? जैसे आप बेहोश होने पर आए हुए होते हो, आपके एकदम पसीने आना शुरू हो जाते हैं, जैसे अनकॉन्शियस होने लगे हो. तो Sidra ऑलमोस्ट फेंटेड एट द न्यूज. टू व्हाट एक्सटेंट डिड Sidra फेंट? तो इसको बताने के लिए आपने एडवर्ब ऑफ डिग्री ऑलमोस्ट यूज की. वी एग्रीड विद हिम कंप्लीटली. वी एग्रीड विद हिम Completely. To what extent did we agree with him? इसको शो करने के लिए आपने क्या कहा? We agreed with him completely. The completely क्या? It is showing that to what extent did we agree with him. Okay? So these are the adverb of degree. Warning: Do not confuse an emphasizing adjective with an adverb of degree. An emphasizing adjective qualifies a noun, whereas an adverb of degree qualifies a verb, an adjective or another adverb. और आपने confuse क्या नहीं करना कि emphasizing adjective को with an adverb of degree के साथ नहीं confuse करना. हमने adverb of degree जो पढ़े हैं वो different है. Warning, आपने अच्छे तरीके से इसको नोटिस कर लेना है, लेकिन एग्जांपल्स के ऊपर ही फोकस करना है. बिकॉज व्हेन यू गो इनटू डीप डाउन द डिस्कशन ऑफ के व्हाट इज द रूल अप्लाइड ऑन द बिहाइंड सीन, यू गेट कंफ्यूज्ड. सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, बस इन के ऊपर फोकस करें. पिक आउट द एडवर्ब्स ऑफ डिग्री फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इसमें से आपने एडवर्ब्स ऑफ डिग्री चेक करने. अब मैं दो दो मिनट दूंगी आपने अपना चेक करने कि आपने क्या लिखा है. द ओल्ड लेडी वॉज ऑलमोस्ट ब्लाइंड एंड कुड हार्डली वॉक. आप एडवर्ब ऑफ डिग्री कहाँ पे यूज कर रहे हैं? आपने कहा कि वो ब्लाइंड है. द ओल्ड लेडी वॉज ब्लाइंड. ब्लाइंड है लेकिन थोड़ी कम ब्लाइंड है. ऑलमोस्ट ब्लाइंड, तकरीबन ब्लाइंड है. तो ऑलमोस्ट इज क्वालिफाइंग ब्लाइंड.
इट इज़ द एडवर्ब ऑफ डिग्री ऑलमोस्ट. हार्डली वॉक, वॉक कर सकती है लेकिन हार्डली वॉक. जैसे आप कहते हो ना मेरी दादी वॉक कर सकती हैं, लेकिन जब आप कहते हो कि थोड़ा सा ही वॉक कर सकती हैं तो आप कहते हो शी कैन हार्डली वॉक. शी कैन हार्डली वॉक. हार्डली इज द एडवर्ब ऑफ डिग्री. नाउ नेक्स्ट इज आई एब्सोल्युटली हेट ट्रैवलिंग. आप यस ऐसे भी कह सकते हो आई हेट ट्रैवलिंग एंड आई एम कम्प्लीटली एंड आई एम हैप्पी स्टेइंग एट होम. लेकिन कम्प्लीटली और एब्सोल्युटली हेट को और हैप्पीनेस को ज़्यादा करने के लिए हमने यूज़ किए हैं कि आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी ट्रैवलिंग. आई एब्सोल्युटली हेट ट्रैवलिंग एंड आई एम कम्प्लीटली हैप्पी स्टेइंग एट होम. ओके, इन दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हैं कि एब्सोल्युटली इधर भी यूज़ कर सकते हैं और इसको इधर भी यूज़ कर सकते हैं. आई कम्प्लीटली हेट ट्रैवलिंग या आई एब्सोल्युटली हेट ट्रैवलिंग एंड आई एम कम्प्लीटली हैप्पी स्टेइंग एट होम. मुझे घर पे रहना पसंद है, कम्प्लीटली हैप्पी हूँ मैं इसके साथ. तो कम्प्लीटली और एब्सोल्युटली एडवर्ब्स ऑफ डिग्रीज हैं. दानिश इज़ फार मोर इंटरेस्टेड इन फिजिक्स दैन इन केमिस्ट्री. दानिश इंटरेस्टेड है फिजिक्स में केमिस्ट्री से ज़्यादा, दैन इन केमिस्ट्री केमिस्ट्री से ज़्यादा. फार मोर, फार मोर इज द एडवर्ब ऑफ डिग्री विच इज़ क्वालिफाइंग इंटरेस्टेड. ओके, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग. हम ऐसे भी कह सकते हैं रीड द क्वेश्चन केयरफुली, लेकिन जब आप वेरी यूज़ कर रहे हैं तो एडवर्ब ऑफ डिग्री यूज़ कर रहे हैं. क्या यूज़ कर रहे हैं? एडवर्ब ऑफ डिग्री कि वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग. द सन हैड नियरली सेट व्हेन वी रीच्ड होम. द सन हैड नियरली सेट, जब हम घर पहुँचे तो उस वक्त तक सूरज गरूब हो चुका था. द सन हैड तकरीबन गरूब हो चुका था, तो आप कहना चाहते हो कि थोड़ा सा भी गरूब होना रहता था या होने के पास था, तो नियरली कहते हैं. क्या कहते हैं? द सन हैड नियरली सेट, यानी पूरा गरूब नहीं हुआ था बल्कि होने के पास पास था, तो उसको एडवर्ब ऑफ डिग्री यूज़ किया हमने नियरली. सम मॉडर्न ट्रेन्स कैन ट्रेवल इनक्रेडिबली फास्ट. हम कहते हैं बहुत फास्ट ट्रेन्स चलती हैं आजकल, मॉडर्न ट्रेन्स जो हैं वो ट्रैवल कर सकती हैं. तो हैरान कन हद तक जब हम यूज़ करते हैं इसका मतलब है हम फास्ट के तासुर को और ज़्यादा करना चाह रहे हैं और एडवर्ब ऑफ डिग्री यूज़ कर रहे हैं इनक्रेडिबली. इनक्रेडिबली क्या यूज़ कर रहे हैं? इनक्रेडिबली एंड इनक्रेडिबली इज़ द एडवर्ब ऑफ डिग्री. एडवर्ब ऑफ डिग्री किसके तासुर को तेज़ करने के लिए? फास्ट के. एंड इट इज़ क्वालिफाइंग फास्ट. द जजेस वर अमेज्ड एट द परफॉर्मेंस ऑफ द यंग डांसर. अटरली अमेज्ड, अटरली बहुत ज़्यादा अमेज्ड हुए एट द परफॉर्मेंस ऑफ द यंग डांसर. तो बहुत ज़्यादा हुए तो अटरली किसके लिए यूज़ हो रहा है? ये है एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड दिस इज़ क्वालिफाइंग अमेज्ड. लेकिन अटरली क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री किसके तासुर को तेज़ करने के लिए? अमेज्ड के. दिस चेयर इज़ एक्सट्रीमली कम्फर्टेबल एंड सरप्राइजिंगली चीप. एक्सट्रीमली कम्फर्टेबल एंड सरप्राइजिंगली चीप. एक्सट्रीमली एंड सरप्राइजिंगली चीप है, लेकिन सरप्राइजिंगली चीप है. जब आप कहीं बाज़ार जाते हो आप कहते हो कि ये मैंने अपने पेंसिल बॉक्स लिया है और ये सरप्राइजिंगली चीप है, यानी बहुत ज़्यादा चीप मुझे मिल गया. चीप यानी कम कीमत मिल गया. तो आप कहेंगे दिस पेंसिल बॉक्स इज़ सरप्राइजिंगली चीप. या फिर आप किसी चेयर पे बैठे हुए और आप कहते हो कि ये तो बड़ी कंफर्टेबल है, लेकिन आप इसको ज़्यादा बताना चाहते हो कि बहुत कंफर्टेबल है. एक्सट्रीमली कंफर्टेबल. एक्सट्रीम कौन सी एक्सटेंट होता है? जब आप एक चीज़ के आखिरी हद तक लेके जाते हो. ओके, द बिटरली कोल्ड विंड्स हैव किल्ड ऑल द फ्लावर्स. फ्लावर्स सारे ख़त्म हो गए हैं. और वो किसकी वजह से? बहुत ज़्यादा कोल्ड विंड्स चली हैं. तो जब आप कोल्ड विंड्स को ज़्यादा बताना चाहते हो तो आप कहते हो बिटरली. बिटरली का क्या मतलब है? बहुत ख़तरनाक किस्म की कोल्ड विंड्स चली हैं, हद से ज़्यादा बिटरली.
बिटर वैसे कड़वे को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे बिटरली क्या है कि हद से ज़्यादा। तो बिटरली क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। सख्त किस्म की ठंडी हवाएं चली हैं, सख्त किस्म की। तो बिटरली का क्या मतलब है, बहुत कोल्ड, वेरी कोल्ड। बिटरली इज द एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड इट इज क्वालिफाइंग कोल्ड। द रोड वॉज टू नैरो फॉर अ कार। नैरो, जब आप एक चीज़ को बताना चाहते हो कि ये रोड जा रहा है और ये कार के लिए क्या है, बहुत नैरो है, इधर भी गिरने का खतरा है, इधर भी गिरने का खतरा है, तो ये वेरी नैरो है। तो नैरो को ज़्यादा बताने के लिए हम क्या कहेंगे, टू नैरो। द रोड इज़ टू नैरो, फिर बोले द रोड वॉज टू नैरो फॉर अ कार, यानी रोड बहुत नैरो था कार के लिए। तो टू किसके लिए यूज़ हुआ है, ये है एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड इट इज़ क्वालिफाइंग नैरो। ही वॉज सो फ्राइटेंड दैट ही डिड नॉट नो वॉट टू डू। ही वॉज फ्राइटेंड, ये भी कह सकते हैं दैट ही डिड नॉट नो वॉट टू डू, लेकिन अगर हम कह रहे हैं ही वॉज फ्राइटेंड, ही वॉज फ्राइटेंड, वो बहुत डरा हुआ था, ही वॉज सो फ्राइटेंड। सो इज द एडवर्ब ऑफ डिग्री, दिस इज द एडवर्ब ऑफ डिग्री। ही डिड नॉट नो वॉट टू डू, ही डिड नॉट नो वॉट टू डू।